नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नान प्रो स्टेज वन फार्मूला मिल्क कैसे बनाया जाता है। स्टेज वन फार्मूला मिल्क का मतलब ये है कि दोस्तों इसे हम 0 से 6 मंथ्स के बच्चों को दे सकते हैं। वैसे तो मदर मिल्क से अच्छा बेबी के लिए कुछ भी नहीं होता, पर ऐसी कई सिचुएशंस पड़ती हैं जब हमें फार्मूला मिल्क देना पड़ता है, तो उस केस में हम कोई भी फार्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हैं। हम अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं एंड मार्केट में बहुत सारे फार्मूला मिल्क अवेलेबल हैं, जैसे कि लैक्टोजेन, सिमिलैक, नान प्रो, तो इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि नान प्रो हमें कैसे बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने हाथ बिल्कुल साफ कर लेने हैं और फार्मूला मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए एक बॉटल। इस बॉटल, ये एक स्टेराइल बॉटल है, इसको मैंने गर्म पानी में उबाल लिया है और उबालने के बाद इसे अच्छे से मैंने सुखा लिया है। सेकेंड चीज़ जो चाहिए वो चाहिए हमें पानी। तो पानी हमें क्या करना है कि हमें 5 मिनट उसे उबाल लेना है और उबालने के बाद उसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब भी हम फार्मूला मिल्क बनाएं हमें ध्यान रखना है कि पानी ल्यूक वार्म ही होना चाहिए। एंड दोस्तों हमें नान प्रो चाहिए। तो ये नान प्रो के मेरा ये एक, तो दोस्तों ये टिन का है और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जंग लग सकता है, तो मैंने अपने फार्मूला मिल्क को इस ग्लास जार में शिफ्ट कर लिया है। तो आप देखते हैं कि हमें बनाना कैसे है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये रिलेशन याद रखना है कि हर 30 ml पे हमें 1 स्कूप फार्मूला मिल्क की ज़रूरत पड़ती है और उसके ही अकॉर्डिंग हमें इतना स्कूप हमें यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी ये फीडिंग टेबल अवेलेबल है, तो आप इसे देख सकते हैं कि हमें किस एज के बच्चों को कितना फीड देना चाहिए और कितने ml पानी में हमें फार्मूला मिल्क बनाना चाहिए। तो मैं आपको 30 ml फार्मूला मिल्क बना के दिखाती हूँ और हर 30 ml पे हमें 1 स्कूप चाहिए। तो ये रही हमारी बॉटल। तो मैं अपनी बॉटल ओपन करती हूँ, जो मैंने इसका लिड हटा दिया, ये मैंने बॉटल खोल ली। तो अब मैं इसमें 30 ml पानी डालती हूँ। तो इस पानी को दोस्तों मैंने अच्छे से उबाल लिया है और उबालने के बाद इसे, ये पानी ल्यूक वार्म है, तो मैं अब अपनी बॉटल में 30 ml लेती हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैंने 30 ml पानी लिया है, एग्जैक्टली 30 ml है। आपको इस मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अब हम इसमें नान प्रो डालेंगे, तो क्योंकि ये मेरा इस जार में है तो मैं इससे 1 स्कूप निकाल लेती हूँ। दोस्तों आप ध्यान रखना कि आपके हाथ एकदम साफ होने चाहिए। दोस्तों अब मैं 1 स्कूप फार्मूला मिल्क लूँगी। तो ये मैंने फार्मूला मिल्क लिया, मुझे 1 स्कूप चाहिए एग्जैक्टली, तो ये मैंने ले लिया है। अब मैं इसे अपनी बॉटल में डाल लूँगी। इसको डालने के बाद मैं अपना बॉटल बंद करूंगी और बंद करने के बाद इसे अच्छे से शेक करूंगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा अच्छे से मिल गया है और हमारा मिल्क अब बेबी को पिलाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों अब आप इसे अपने बेबी को दे सकते हैं। तो दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप किस ब्रांड का फार्मूला मिल्क ले रहे हैं और उसे कैसे स्टोर करना है। बट इन जनरल ये रिकमेंड किया जाता है कि फार्मूला मिल्क अगर हम रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो हमें उसे 2 घंटे के अंदर डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अगर हमने फार्मूला मिल्क प्रिपेयर कर लिया है और हम उसे फ्रिज में रखते हैं तो उस केस में हम उसे 24 घंटे तक रखते हैं और उसके बाद हमें उसे डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और दोस्तों किसी भी केस में अगर आपने मिल्क बेबी को पिला दिया है तो पिलाने के बाद आपको जितना भी लेफ्ट ओवर मिल्क है वो डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है और बच्चा हमारा बीमार पड़ सकता है, तो ऐसा रिस्क हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव हैं या कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।